गाजियाबाद से गिरफ्तार गायक समर सिंह को पुलिस वाराणसी ले आई, रिमांड मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के आत्महत्या प्रकरण में दोषी माने जा रहे गायक समर सिंह को पुलिस ने शुक्रवार को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था। इसके बाद वाराणसी लाया गया। आरोपी समर सिंह को पुलिस रिमांड मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगी। कोर्ट बंद होने की वजह से रिमांड मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। आरोपी समर सिंह को पुलिस लाइन में रखा गया है। देखिए, आज रात समर सिंह को गाजियाबाद से पुलिस लेकर के हमारी आई है और आज चूंकि सेकंड सैटरडे है और अवकाश का दिन होने के लिए कोर्ट बंद है और रिमांड मजिस्ट्रेट शाम को बैठते हैं, तो जब वो बैठ जाएंगे तो उनके समक्ष पेश किया जाएगा। किन किन चीज़ों को लेकर के रखा जाएगा, क्या आप उसको रिमांड पर भी लेंगे, कितने दिन की रिमांड मजिस्ट्रेट से कितने दिन का लेंगे रिमांड? देखिए, रिमांड जो है वो जो रिमांड मजिस्ट्रेट है वो नहीं देते हैं, इसके लिए रेगुलर कोर्ट में जाना होगा। जब अदालत खुलेगी तो हम अपने ग्राउंड्स के आधार पर उसको पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने का प्रयास करेंगे ताकि जो तथ्य हैं उनकी पुष्टि की जा सके, साक्ष्य को और मजबूती के साथ इकट्ठा किया जा सके। सर, अभी तक सर कुछ पूछताछ हो पाई है, क्योंकि कल दोपहर से ही पुलिस के कस्टडी में है वो, तो अभी तक कुछ चीज़ें सामने आई हैं, कुछ बातचीत? देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है और चूँकि जो विवेचना की चीज़ें हैं उसको सार्वजनिक प्लेटफार्म पर व्यक्त करना संभव नहीं है, लेकिन जितना भी समय हमारे पास उपलब्ध है और वो पूछताछ की जा रही है, यद्यपि वो अभी न्यायिक अभिरक्षा में है क्योंकि ट्रांजिट रिमांड पर आया है, तो इसलिए उसे न तो मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, न ही उससे की गई किसी बातचीत को हम सार्वजनिक कर सकते हैं। सर, आकांक्षा दुबे की मां ने चेतावनी भी दिया है कि उस न्याय नहीं मिला तो किसी भी हद तक चली जाऊंगी। अब देखिए, कौन क्या कह रहा है वो हमारे लिए बहुत उल्लेखनीय नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि जो अभियोग दर्ज हुआ है उसमें मजबूती के साथ सार्थक साक्ष्य संकलित किए जाएँ और कानून अपना काम करे। सर, ये कितना टफ रहा, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस था, काफ़ी दबाव रहा होगा आप लोगों पर, किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया पुलिस ने? देखिए, वास्तव में एक टफ जॉब था और चूंकि अभियुक्त को पहले से पता था, मीडिया में इतना ज़्यादा एक तरह का मीडिया ट्रायल होने लगा था कि अभियुक्त के लिए पर्याप्त अवसर था कि वो अपने को छुपा सके और इसीलिए हमको लगभग 10-12 दिन का समय उसकी गिरफ्तारी में लगा। लगातार हमारी कई टीमें प्रयास करती रहीं, प्रदेश में, प्रदेश के बाहर भी, और अंततः उसकी गिरफ्तारी गाजियाबाद से की गई। आज उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जेल भेज दिया जाएगा? हाँ, फिलहाल तो मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, यद्यपि हम रिमांड के लिए वहाँ भी प्रयास करेंगे, लेकिन रिमांड रेगुलर मजिस्ट्रेट ही देते हैं।